Welcome to my YouTube channel, The Botany for Students. I am Ms. Raj Alvira, Assistant Professor, Department of Botany, RR College. Molecular Technology. Molecular Technology के आज के इस टॉपिक में हम यह देखेंगे कि जब हम DNA, RNA या प्रोटीन, जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं, तो जब उनकी स्टडी करने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्निक ऑटो रेडियोग्राफी। तो इस टेक्निक को हम यहाँ देखते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा कोशिका में उपस्थित रेडियोधर्मी आइसोटोप को चिन्हित करके पहचाना जाता है। तो ऑटो रेडियोग्राफी एक वो टेक्निक है जिसमें हम कोई भी कोशिकाओं, टिश्यू या सेल को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप सॉल्यूशन में डाल देते हैं और उसके कुछ टाइम बाद वो रेडियो एक्टिव लेवल्ड हो जाती है और उसको हम फिर उसे जो उसमें प्रेजेंट है कोशिका की स्टडी कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के काम में हम उसे लेते हैं। किसी कोशिका अंग संपूर्ण जीव को रेडियोधर्मी सॉल्यूशन से उपचार से करके उसे रेडियो एक्टिव बना दिया जाता है। तो जब हमें कोई कोशिका सेल या सेल ऑर्गेनल या कोई टिश्यू है या संपूर्ण जीव किसी ऑर्गेनिज्म को रेडियो एक्टिव सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले उसे ट्रीट करते हैं जिससे कि वो रेडियो एक्टिव लेवल हो जाता है। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि टिट्रियम जो कि हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, इसको यूज़ में लेते हैं। इसी तरह से कार्बन 14 जो कि कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, इसी तरह से फॉस्फोरस 32, सल्फर 35, तो इनको हम यहाँ पर यूज़ में लेते हैं जो कि मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी करते वक्त यूज़ में लिए जाते हैं। रेडियो एक्टिव सेल को फोटोग्राफिक इमल्शन से कोट करके अंधेरे में कुछ महीनों के लिए रख दिया जाता है। जब रेडियो एक्टिव सेल्स हैं उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल को रेडियो एक्टिव लेवल्ड कर दिया, अब उसे फोटोग्राफिक इमल्शन को से उसे कोट किया जाता है और फिर अंधेरे में उसे रख दिया जाता है। इमल्शन पर काले कलर के डॉट्स बनते हैं। अब जो इमल्शन किया है उससे उस पर काले कलर के डॉट दिखाई देने लग जाते हैं। यह बिंदु डॉट्स उस जगह को चिन्हित करते हैं जहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ उपस्थित थे। अब इनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यह बिंदु जो डॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं माइक्रोस्कोप से क्लियरली दिखाई देते हैं। अब डीएनए में जो थायमिडिन जो उसका बेस होता है थायमिडिन न्यूक्लियोटाइड वो ट्रिट्रियम से रेडियो एक्टिव लेवल्ड होता है। इसी तरह से यूरिडिन भी ट्रिट्रियम से रेडियो एक्टिव होगा आरएनए में और प्रोटीन में अमीनो एसिड जो कि ट्रिट्रियम से रेडियो एक्टिव लेवल्ड होता है। इसी तरह से जब पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं तो मैनोस शुगर ट्रिट्रियम से रेडियो एक्टिव लेवल्ड होगी। तो मैनोस शुगर एक शुगर का ही टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, तो उसको यह ट्रिट्रियम से रेडियो एक्टिव लेवल किया जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ जो जैसे थायमिडिन है यूरिडिन है और ये दिए गए हैं कि डीएनए में कौन सी चीज़ ट्रिट्रियम से रेडियो एक्टिव लेवल्ड हो रही है, आरएनए में यूरिडिन होता है और प्रोटीन में अमीनो एसिड और पॉलीसेक्राइड में मैनोस शुगर रेडियो एक्टिव लेवल्ड होते हैं। तो यह डायग्राम या यह पूरी इमेज दी हुई है जिसमें कि ऑटो रेडियोग्राफी की प्रिपरेशन प्रोसेस और डेवलपिंग पूरी प्रोसेस इसमें दिखाई गई है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इनक्यूबेटेड सेल इन रेडियो एक्टिव 3H या ट्रिट्रियम के सॉल्यूशन में सेल को डाल दिया। जेंटली लाइज सेल एंड फिक्स कंटेंट। अब इस सेल को जेंटली धीरे धीरे लाइज होना या गलना स्टार्ट कर देगी। एम्प्टी कंटेंट इनटू स्लाइड। अब जो कंटेंट उसमें से रिलीज हुआ है उसको इस स्लाइड पर
फिक्स कर देंगे। इमर्स स्लाइड इज रेडियो एक्टिवली सेंसिटिव इमल्शन। अब इसको रेडियो एक्टिव इमल्शन वाली जो स्लाइड थी उसको इस तरह से मूव कर देंगे। अब यहाँ पर स्लाइड डिप्ड इन सिल्वर ब्रोमाइड, जो ए जी बी आर का सॉल्यूशन है उसमें डिप किया जाता है। ए जी बी आर जो कि फोटोग्राफिक इमल्शन होता है, और इसी तरह से रेडियो एक्टिव रेडियो रेडिएशन एक्टिवेट्स नियर बाय सिल्वर आयन। और अब जो सिल्वर आयन है वो रेडिएशन के कारण एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि ए जी बी आर सिल्वर ब्रोमाइड के जो सिल्वर आयन है वो एक्टिवेट हो गए। अब ये एक्टिव हो जाने के बाद एक्टिवेटेड सिल्वर आयन रिड्यूस द सिल्वर मेटल। अब जो जो सिल्वर मेटल है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। सॉल्यूबल आयन वॉश्ड अवे टू लीव मेटल। अब जो ये आयन्स थे जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो जो मेटल है उसको ये छोड़ के चले जाते हैं और यह रिड्यूस हो जाती है। वहाँ से ये छोड़ गए रिड्यूस हो जाने के कारण। अब यहाँ पर एक्सपोज स्लाइड टू फोटोग्राफिक फिल्म। अब जो ये स्लाइड होती है इसे फोटोग्राफिक फिल्म पर डाला जाता है, उस पर एक्सपोज करेंगे। डेवलप टू ट्रांसफर इमेज टू फिल्म, और इस तरह से एक इमेज का फॉर्मेशन होता है और इसको हम ऑटो रेडियोग्राफ कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस दी हुई है जिसमें हम यह देखते हैं कि ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक के थ्रू ऑटो रेडियोग्राफ किस तरह से तैयार किया जा रहा है। ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक का यूज़ जीन मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक हम यहाँ देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमने पहली टेक्निक ऑटो रेडियोग्राफी देखी, अब दूसरी टेक्निक हमारी यहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसमें हम यहाँ देखेंगे कि डीएनए आरएनए और प्रोटीन के सेपरेशन के लिए यह काम में ली जाती है। जो बायोमोलिक्यूल्स हैं डीएनए आरएनए प्रोटीन, तो अब इनका आइडेंटिफिकेशन करना है तो सबसे पहले उनका सेपरेशन किया जाता है, तो उसके लिए यह टेक्निक हम यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहले जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए आरएनए के सेपरेशन करवाते हैं, उससे पहले हम इस जो डीएनए आरएनए है इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से ट्रीट करवाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, न्यूक्लिएज एंजाइम देखते हैं सबसे पहले। यहाँ हम इस वर्ड का मतलब देखते हैं न्यूक्लिएज का। न्यूक्लिएज से मतलब होता है कि ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए या आरएनए की जो फॉस्फोडाइस्टर चेन, जो चेन बनी हुई होती है उसमें जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ने का यह काम करता है। एंडो से मतलब हो गया कि यह एंड जो डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल के जो एंड होते हैं 3' 5', वहाँ से कट ना करके बीच में से कट कर रहा है। और रेस्ट्रिक्शन से मतलब कि बेस पेयर का जो साइज़ है वो फिक्स है कि कितने बेस पेयर से वह कट करेगा, 4 से 8 से या जितने भी हैं। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को हम सबसे पहले यूज़ में लेते हैं डीएनए आरएनए के लिए, और उसके बाद ये जो डीएनए होता है उसके सेगमेंट ब्रेक हो जाते हैं। अब ये जो सेगमेंट हैं इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला जाता है, जिससे कि हमें डीएनए आरएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो प्राप्त हो जाते हैं अलग अलग साइज़ के आधार पर। पॉलीएक्रिलामाइड जेल एंड एग्रोज जेल यहाँ पर यूज़ में लिया जाता है। दो तरह के जेल यहाँ पर बताए गए हैं, एक तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल और दूसरा एग्रोज जेल। इसी तरह से इथेडियम ब्रोमाइड डाई जो कि न्यूक्लियोटाइड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ में ली जाती है। जब डीएनए के लिए हम ये देखते हैं तो डीएनए के जब के लिए इथेडियम ब्रोमाइड डाई यूज़ में ली जाती है। जो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उन दोनों स्ट्रैंड के बीच में ये डाई उसमें बाइंड कर जाती है, जिससे कि यह कलर शो करती है और डीएनए फ्रैगमेंट का हमें पता चल जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल होता है उसकी पीएच न्यूट्रल होती है, उदासीन पीएच इसमें पाई जाती है। विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने पर डीएनए आरएनए नेगेटिव चार्ज होने के कारण यह पॉजिटिव एंड पर एकत्रित हो जाते हैं। तो जो डीएनए और या आरएनए है उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण उस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज होता है बाद में जैसे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पहले न्यूट्रल चार्ज था, जैसे ही उसे प्लग इन किया जाता है या इलेक्ट्रिसिटी इसे कनेक्ट किया जाता है, तो कनेक्ट करते के साथ ही उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड डेवलप होने लग जाते हैं। अब जो डीएनए आरएनए है वो नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ आकर के एकत्रित हो जाते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर इसके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है कि ये एक पावर सोर्स है जिससे इसे कनेक्ट करने पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ये इसका नेगेटिव एंड या पॉजिटिव एंड। और यहाँ पर ये जेल स्लैब है जिसमें ये डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल मूव करते हैं, और यह सैंपल वेल्स हैं जेल के अंदर जिसमें हम डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल डाल देते हैं, और इसी तरह से यह इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। तो इस तरह हम यह देखते हैं कि किस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मॉलिक्यूल्स उनके साइज़ और डेंसिटी के आधार पर सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट टेक्निक यहाँ पर दी हुई है सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का उपयोग डीएनए सेगमेंट में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि डीएनए का कोई सेगमेंट हमको मिला तो उसमें कौन सा उसका बेसिस का सीक्वेंस है, ये क्या किस सीक्वेंस में उसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, तो उसको पता करने के लिए हम इसे यूज़ में लेते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले डीएनए है तो डीएनए के लिए, और सिर्फ सदर्न ब्लॉटिंग को हम डीएनए के लिए ही यूज़ में लेते हैं, तो सबसे पहले एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम यूज़ में लेते हैं। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से डीएनए क्या होता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाता है। अब इसके सेगमेंट बन गए तो इसको जाल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया जाएगा जिससे कि डीएनए के सेगमेंट अलग अलग हो जाएंगे। अब जो ये सेगमेंट होते हैं डीएनए के, इसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे ही इसको नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके बाद नॉन डीएनए सीक्वेंस या प्रॉब से इसे ट्रीट किया जाता है, कि ए प्रॉब एक ऐसा डीएनए होता है जिसका हमें पहले से ही उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता हो। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता होने के कारण यह है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमको इसका पहले से ही पता है, तो उस कारण से अब इसको हम प्रॉब कहते हैं। और इसके साथ जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था उसको हाइब्रिडाइज किया जाता है, और इस हाइब्रिडाइजेशन के कारण इन स्थलों पर बैंड उत्पन्न होते हैं। यह बैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर यह टेक्निक दिखाई गई है कि ये जीनोमिक डीएनए है। अब इस जीनोमिक डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम यूज़ में लिया गया है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब यहाँ पर एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ में लिया गया है। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जितने भी इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं मॉलिक्यूलर वेट, साइज, डेंसिटी, इनके आधार पर सेपरेट करते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ रहने वाले तो हाई मॉलिक्यूलर वेट के होंगे और नीचे की तरफ लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाएंगे। तो ये नेगेटिव एंड और यहाँ पर ये पॉजिटिव एंड है, तो इस तरह से मूव करते हैं। तो अब इसका हमने सेपरेशन कर लिया, तो अब इस एगरोस जेल को एज इट इज नाइट्रो सेलुलोज नायलॉन फिल्टर पर या जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। इसके ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पर फॉस्फोरस 32 प्रॉब से इसे ट्रीट किया जाएगा, और इस तरह यहाँ पर अब इसे जब एक्सरे में एक्सपोज किया जाता है तो इस तरह से बैंड हमें प्राप्त होता है। तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, अब उसका सिंगल स्ट्रैंडेड प्रॉब के साथ हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हो गई और इस तरह से हमें यह बैंड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है नदर्न ब्लॉटिंग। जो सदर्न ब्लॉटिंग हम डीएनए के लिए यूज़ में लेते हैं और नदर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस आरएनए के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसमें कोई सैंपल है, सैंपल से आरएनए का एक्सट्रैक्शन किया, अब इस आरएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवाया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब यहाँ पर ये आरएनए का आरएनए है जो सेपरेटेड बाय साइज, साइज से सेपरेट हो जाते हैं। नदर्न ब्लॉटिंग ट्रांसफ़र ऑफ आरएनए मेम्ब्रेन, इस तरह से इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसे हीट के थ्रू फिक्स किया जाता है, हीट या यूवी रेडिएशन के थ्रू। अब यहाँ पर जो जो लेवल्ड प्रॉब्स हैं उनको इस तरह से डाला जाता है, वो इसके साथ हाइब्रिडाइज कर देते हैं। मेम्ब्रेन हाइब्रिडाइज्ड विद लेवल्ड प्रॉब एंड विजुअलाइजेशन ऑफ लेवल्ड आरएनए ऑन एक्सरे फिल्म। तो इस तरह से इसका विजुअलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया गया है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक प्रोटीन्स के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो सबसे पहले सदर्न ब्लॉटिंग जिसे हम डीएनए के लिए यूज़ में लेते हैं, नदर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन्स के लिए यूज़ में की जाती है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में इस तरह से ये एक सेपरेशन जेल है, इसमें एंटीजन सैंपल लोड कर दिया जाता है। इस सैंपल को इसमें डालने के बाद यह एक प्रोटीन ब्लॉटिंग टैंक है, इसमें एंटीबॉडी जो लेबल्ड रेडियो एक्टिव एंटीबॉडीज़ को इसमें डाल दिया जाएगा, जो कि अपने जो उनके अकॉर्डिंग जो एंटीजन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी की यहाँ बाइंडिंग देखने को मिलती है,
और उसके साथ ही यह बाइंड कर जाता है। अब यह बाइंडिंग के बाद इसे ऑटो रेडियोग्राफी में देखा जाता है, तो इस तरह से इसमें बैंड पता होता है। तो ये जो एंटीबॉडी है, हमें यह पहले से ही पता होता है कि यह किसके लिए काम में ली जा रही है, किस की एंटीबॉडीज़ हैं। तो जिस पर वो बाइंड कर जाएगी तो उससे हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा एंटीजन इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर टेक्निक सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन से मतलब होता है कि सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म, जितने भी सेल के पार्ट्स हैं उनको अलग अलग करना पड़ता है। तो इसके लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ में ली जाती है। सेल मेम्ब्रेन को सेल से अलग किया जाता है। सेल ऑर्गेनल को अपने मास, भार, वेट, सरफेस डेंसिटी के आधार पर जलीय माध्यम में आइसोलेट किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले चार भाग प्राप्त होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोसोमिक पार्ट, सॉल्युबल पार्ट। तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोसोमिक पार्ट और सॉल्युबल पार्ट, ये इसमें बिल्कुल अलग अलग हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब माइक्रोसोमिक पार्ट्स में जो छोटे साइज़ के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गॉल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये इसमें आइसोलेट हो जाते हैं। सेल फ्रैक्शन का डायग्राम दिया गया है। जैसे कि सेल है, सबसे पहले उसका साइटोसोल एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो उसको हम साइटोसोल फ्रैक्शन कहेंगे। सेल ऑर्गेनल्स से मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट किया गया, तो उसे हम मेम्ब्रेन फ्रैक्शन कहेंगे। न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियर फ्रैक्शन, साइटोस्केल्टन फ्रैक्शन जो कि लास्ट में बचता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन इज़ यूज्ड। जब सेल फ्रैक्शनेशन की प्रोसेस की जाती है तो उसके लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ में ली जाती है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन का डेवलपमेंट सबसे पहले थियोडोर स्वेडबर्ग ने किया था, जिसके थ्रू उसने राइबोसोम की सब यूनिट के बारे में भी बताया था। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज, यह भी एक सेंट्रीफ्यूज का टाइप है, जिसमें सेडिमेंटेशन रेशियो, अवसादन अनुपात के आधार पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, या सेल पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है, और इससे सेल फ्रैक्शन प्राप्त होते हैं। इससे न्यूक्लियस, प्लास्टिड या अन्य कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स आइसोलेट किए जाते हैं। यह एक नेक्स्ट टेक्निक आती है जब हम मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी में देखते हैं, एक्सरे डिफरेंशियल एनालिसिस। तो यह उसकी मशीन का डायग्राम दिया हुआ है। यह डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए यूज़ में ली जाती है, और इससे 3D स्ट्रक्चर का पता किया जाता है। जब हमें डीएनए या प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर के बारे में पता करना होता है, तो एक्सरे डिफरेंशियल एनालिसिस यूज में लिया जाता है। जो वॉटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था, तो उसकी 3D स्ट्रक्चर भी उन्होंने एक्सरे डिफरेंशियल एनालिसिस के थ्रू ही बताई थी। EIA टेक्निक। EIA से यहाँ मतलब है एंजाइम इम्यूनो ऐसे। तो इसमें एंजाइम जो प्रोटीन्स होते हैं उनके एंटीबॉडी जनरेट करके उनका हम पता लगाते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की जगह किया जाता है। जो ये टेक्निक है, इसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की तरह की जगह पर यूज में लेते हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होते हैं वो किसी भी पर्सन के हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं। एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो यह एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसकी फुल फॉर्म है, और यह जो HIV होती है उसके टेस्ट के लिए भी इसी टेक्निक को हम यूज़ में लेते हैं। टर्म जो एलिजा या EIA टर्म है, एंजाइम इम्यूनो ऐसे, यह एंडवेल एंड पर्लमैन ने दिया था। इस टेक्निक का द्वारा विशिष्ट प्रोटीन की पहचान की जाती है। तो प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ में लेते हैं। एंटीबॉडी प्लस पॉलीमर सबस्ट्रेट। पॉलीमर सबस्ट्रेट के पास एंजाइम उपस्थित रहता है, जो कि इसके ऊपर ये बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद ये सैंपल में एंटीजन के साथ बाइंड करके उसका आइडेंटिफाई करने में पता लगाता है। यह इसका इक्विपमेंट फॉर परफॉर्मिंग द एलिसा टेस्ट डायग्राम दिया हुआ है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।